आपको सीधे लेकर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हुए हैं तैयारियों का इंतजाम जानने के लिए। क्या कह रहे हैं सुनते हैं। बाद यह अवसर आया है तो स्वाभाविक रूप से हर श्रद्धालु इस बात को चाहता है कि मैं भी रामलला का दर्शन करूं। मेरी अपील होगी सभी जनता जनार्दन से कि जो भावनाएं उनके मन में है वही हमारे मन में भी है, और इसलिए हम लोग बेहतर तालमेल और समन्वय से अगर दर्शन करने के लिए आएंगे तो दर्शन भी हो पाएगा और किसी प्रकार का कोई कष्ट किसी भी श्रद्धालु को और किसी भी आने वाले यात्री को अयोध्या धाम में नहीं होगी। पैदल लोग न चलें, हम लोग देख रहे हैं बहुत सारी जगह से लोग पैदल चले आ रहे हैं, वे पैदल न करें। भीषण शीतलहरी चल रही है, अपने बिना बताए कार्यक्रम के अनुसार भी न चले। राज्य के अंदर हम लोग व्यवस्थाएं दे रहे हैं, जनपदों को भी देंगे, राज्यों को भी व्यवस्था देंगे, हर एक व्यवस्था से के साथ करेंगे, हम लोग भी कोऑर्डिनेशन करेंगे और हम लोग तीर्थ क्षेत्र न्यास के साथ भी हम एक जिसके बारे में चर्चा करके विस्तृत कार्य योजना बनाएंगे। लेकिन अगर हर व्यक्ति अपने तरीके से आएगा तो कहीं अव्यवस्था किसी स्थिति न पैदा हो, ये हमें देखना होगा। और हर व्यक्ति इस बारे में अपना जैसे अब तक सहयोग करते रहे हैं तो उस सहयोग को अगर आगे भी जारी रखेंगे तो हमें भी बहुत सुविधा होगी और हर एक श्रद्धालु को आने वाले श्रद्धालु को भी प्रभु श्री रामलला के 500 वर्षों के बाद कई शताब्दियों के बाद दर्शन करके आनंद की अनुभूति होगी, अंतःकरण से उन्हें आनंद की अनुभूति होगी। इसके लिए भी बेहतर कोऑर्डिनेशन की दिशा में प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जैसे कार्यक्रम अब तक सभी सकुशल संपन्न हुए हैं, 22 जनवरी का कार्यक्रम भी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है, भारत के विश्वास और लोक आस्था की पुनर्प्रतिष्ठा का, भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को हम लोग जनता जनार्दन और सभी आम जनमानस के सहयोग से, पूज्य संतों के आशीर्वाद से, रामलला की कृपा से सकुशल संपन्न करने में सफल होंगे। आप सब भी यहाँ पर इस भीषण शीतलहरी में हैं, मैं आप सबको भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि अयोध्या की पल पल की घटनाओं को, पल पल की खबरों को आप देश तक पहुँचा रहे हैं और इस अपील को भी पहुँचाएंगे कि बिना प्रोग्राम के और बिना किसी उसके अगर लोग थोड़ा सा धैर्य रख करके अपनी बारी का इंतजार करने के साथ यहाँ के लिए कार्यक्रम के अनुसार आएंगे तो किसी को भी असुविधा नहीं होगी। इस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं और प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन इसमें भरपूर सहयोग करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी होगा ताकि ऑडियंस को सभी प्रकार की चीज़ें, सभी चीज़ें इसमें की जा रही हैं। स्थानीय प्रशासन के साथ लोकल स्तर पर हम लोग इसकी व्यवस्था कर रहे हैं और प्रदेश में हम लोगों ने इसके लिए बीट प्रणाली भी लागू करने के लिए कहा है, जो निचले स्तर तक लोगों से संवाद बना करके उनको लाने और उनको व्यवस्थित तरीके से दर्शन कराने में योगदान दे सके। जिला स्तर पे किस तरह के सुविधाएं, देखिए हर प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी, उसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे ट्रेन्स आएंगी यहाँ पे, ऐसे ही लोकल स्तर पर हम राज्य से बसेज की व्यवस्था की तैयारी करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जो लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो सहयोग करें, संयम बरतें, सभी को मौका मिलेगा प्रभु श्री राम के दर्शन करने का। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।